डेविड ने फादर मैथ्यू से शुरू से लेकर अंत तक की सारी घटना बताई। तुम्हें वह गद्दा कहां से मिला, बताओ। वह गद्दा मुझे उस क्लॉक टावर अपार्टमेंट से लगे हुए कुरिदान से मिला था फादर। मूर्ख कहीं के, तुम जिसे गद्दा समझकर घर ले आए हो वह गद्दा नहीं है, मिसेस ग्रेसी जॉनसन की लाश है। लाश? फादर, ये आप क्या कह रहे हैं, गद्दे में लाश क्यों होगी? ग्रेसी जी की पति कॉलोनेल जॉनसन की बहुत साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब से ग्रेसी ने बहुत मेहनत करके बेटे को पढ़ाया लिखाया था और उसकी शादी भी की थी। उसका पोता जेकब बिल्कुल जॉनसन जी की तरह दिखता था। वह ग्रेसी को प्राणों से भी प्रिय था। कुछ दिनों बाद जेकब पढ़ाई के लिए लंदन चला गया। और वहीं पर एक अच्छी नौकरी करने लगा और वहीं का होकर रह गया। जेकब ने वहीं की एक लड़की से शादी कर ली और वहीं का नागरिक बन गया। जेकब ने लंदन में घर खरीद लिया और अपने साथ रहने के लिए अपने साथी ग्रेसी जी को भी लंदन ले जाने की सोचने लगा। ग्रेसी जी लंदन जाने के लिए तैयार ना थी। वह चाहती थी कि जब तक वे जीवित है तब तक वह अपने पति के द्वारा खरीदे गए अपार्टमेंट में ही रहे। अब कुछ नहीं हो सकता, ग्रेसी जी का यह सोचकर बेटा बहू अपनी माँ को अकेला छोड़कर लंदन चले गए। बेचारी ग्रेसी इस उम्र में अकेली हो गई। उनके पेंशन से वे अच्छी तरह से अपना गुजारा कर लेती थी। जब जब उन्हें अपने बेटे और पोते की याद आती तब तक वो चर्च में आकर मेरे साथ बैठकर बातें करती और चली जाती। कुछ दिनों बाद मेरा तबादला ऊटी के चर्च में हो गया और मुझे कोयंबटूर छोड़कर जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद एक रात अभी निकल कर आता हूं। पीटर, ये सब कैसे हुआ? तुम कब लंदन से आए? फादर, मुझे भारत आए 10 दिन हो गए। 1 महीने से फोन कर रहा था पर माँ फोन नहीं उठा रही थी। माँ को देखे हुए कई साल हो गए थे, सोचा क्रिसमस का त्योहार भी पास है, किसी भी तरह माँ को मनाकर लंदन ले आऊंगा। फादर प्लीज मेरी मदद कीजिए, फादर प्लीज। जब बहुत देर तक दरवाजा किसी ने नहीं खोला तो मैंने हार कर दरवाजा तोड़ दिया। मैंने देखा माँ को मरे हुए बहुत समय बीत चुके थे, उनका शरीर बिस्तर पर ही सड़ गया था, हड्डियों को छोड़कर कुछ नहीं बचा था। ओ माय गॉड, अंतिम बार देखने के लिए भी कुछ नहीं बचा, इसलिए मर्सी और जैकब को इंडिया आने से मना कर दिया और बॉडी को दफना कर मैं घर वापस आया।
ये क्या गद्दा यहाँ कैसे? अपने हाथों से मैंने तो इसे फेंक दिया था। जाओ, चले जाओ, मेरा घर छोड़कर चले जाओ। जल्दी से जल्दी इस घर को किसी ना किसी को बेचकर लंदन चले जाता हूँ। हाँ वही अच्छा होगा। एक काम करता हूँ, हाँ पेपर में विज्ञापन दे देता हूँ। कुछ दिनों बाद किसी को घर पसंद आ गया, उसने एडवांस भी दे दिया। दूसरे दिन उनका रजिस्ट्रेशन था। रजिस्ट्रेशन से एक दिन पहले रात को तुमने अकेलापन देकर मार डाला। अब तुम और तुम्हारा बेटा मिलकर मेरा घर बेचकर खा लेना चाहते हो। तुम यदि अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना बेटा है करके तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं मार डालूंगी तुम्हें। जाओ। आपके लिए रात को मैं चर्च गया था, वहाँ मुझे पता चला कि आपका तबादला हो गया। सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, यह सोचकर मैंने आपको कॉल किया। फादर, अब सिर्फ आप ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। प्लीज फादर, हमें बचा लीजिए। डरो मत पीटर, अब मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डर नहीं रहा हूँ फादर, बल्कि मुझे दुख इस बात का है कि माँ ने मुझे गलत समझा। मैंने सोचा था कि घर बेचकर माँ और पिताजी के नाम से वृद्धाश्रम बना दूंगा और सारे पैसे दान कर दूंगा। तुम्हारी माँ को तुमसे कोई शिकायत नहीं है और ना ही द्वेष। तुम उन्हें अकेला छोड़कर वो भी ओल्ड एज में चले गए थे, यही बात उन्हें खाई जा रही थी। फादर, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बेटे के प्यार में अंधा होकर मैंने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया। इस उम्र में कम से कम महीने में एक बार फोन करके उनके बारे में पूछना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आई एम सो सॉरी फादर, मुझे माफ कर दीजिए। चुप हो जाओ पीटर, चुप हो जाओ। तुम्हारी माँ की आत्मा इस घर पर प्रेम की वजह से यहीं पर रह गई। इस घर को प्रार्थना से पवित्र कर ग्रेसी जी की आत्मा को परलोक भेज दूंगा। फादर, माँ को इस घर से बहुत लगाव है, पर जिस गद्दे पर उनकी मृत्यु हुई थी उस गद्दे से भी बड़ा लगाव था शायद। गद्दे से लगाव? हाँ फादर, इस गद्दे को मैंने स्वयं अपने हाथों से कूड़ेदान में दो बार फेंक दिया था, पर आधी रात को यह गद्दा फिर अपने आप वापस आ जाता है। मैंने इतने सालों में कितने ही दुष्ट आत्मा को परमात्माओं के पास भेजा है, लेकिन पहली बार बदले की आग में जलते हुए गद्दे पर उसने दम तोड़ा। गद्दे में लिपटी हुई और गद्दे से चिपकी हुई प्रेत आत्माओं को पहली बार देख रहा हूं। शाओ, यू मीन डेड बॉडी? हाँ शाओ, जाओ जाकर कार बैक सीट से मेरा बॉक्स लाओ, जाओ।
इन द नेम ऑफ गॉड फादर सन होली स्पिरिट आई कमेंड यू टू रिलीफ इन द नेम ऑफ गॉड फादर सन होली स्पिरिट आई कमेंड यू टू रिलीफ इस बॉक्स में शैतान का पसंदीदा चमगादड़ की हड्डियों का राख है उसे तुम उस जमीन पर छिड़क दो पीटर। क्या हुआ फादर? मेरी मां प्रभु के पास परलोक पहुंच गई? बहुत मुश्किल है पीटर, तुम्हारी मां की आत्मा को प्रभु के पास परलोक में पहुंचाना बहुत मुश्किल है। क्यों फादर, क्या 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 परेशानी है? आई वॉन्ट टू नो। ग्रेसी का गुस्सा तुम पर नहीं है पीटर। फिर क्या, आखिरी बार अपने पोते जैकब को नहीं देख पाई इसलिए उसका गुस्सा जैकब पर है? नहीं, उसकी हत्या करने वालों पर है उसका गुस्सा। क्या हत्या हुई है उनकी? मेरी मां को किसने मारा फादर? हां, मिसेस ग्रेसी की किसी ने हत्या कर दी।